मैं थोड़ी डिटेल बात करूंगा, क्योंकि आदरणीय मोदी जी ने इस देश के लोगों से 60 महीने मांगे थे, लगभग 57 मंथ तो हो गए हैं। तो अब पूरे देशवासियों का भी फर्ज बनता है, और हम एक पॉलिटिकल जिम्मेवार पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता के होने के नाते भी मेरा ये फर्ज बनता है भाई, युवाओं की आवाज़ वहाँ बने। सबसे पहले मेरा यही आज रहेगा, मुख्य एक ही पॉइंट पर मैं फोकस करूँगा कि इन 4.5 वर्ष के अंदर केंद्र में आदरणीय मोदी जी की अगुवाई में जो सरकार रही है, उन्हें सबसे ज़्यादा आश्वासन देश के युवाओं को रोजगार देने का जो किया था। अब लगभग उनका टेन्योर पूरा होने जा रहा है, कुछ ही दिनों और महीने के अंदर शायद पार्लियामेंट इलेक्शन भी देश के अंदर आएंगे। तो मैं ये चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और स्टेट की जो लीडरशिप है, केंद्र में जो लीडरशिप है, देश के युवा जानना चाहते हैं कि आपने 6 साल के 4.5 वर्ष के अंदर जो रोजगार देने का वादा जो किया था, कितना आपने निभाया। केंद्र सरकार के अंदर जितने भी विभाग हैं, जितनी भी पोस्टें खाली हैं वो फिल नहीं की गई। केंद्र सरकार के अंदर बहुत से बड़े जो डिपार्टमेंट हैं, रेलवे है, उसमें पोस्ट जो खाली भी थी वो फ्रीज की गई हैं। और ऐसे ही रियासत जम्मू कश्मीर के जो गवर्नमेंट के अंदर जितनी वैकेंसियाँ थी वो भी बड़ी धीमी गति से एडवर्टाइजमेंट की जा रही हैं। जो सिलेक्शन प्रोसेस है बड़ा स्लो है, और बहुत सी वैकेंसियाँ खाली हैं जिनको एडवर्टाइजमेंट भी नहीं किया गया। तो ये पब्लिक सेक्टर की बात करता हूँ, और केंद्र में जो सरकार है जिन्होंने FDI के माध्यम से जॉब क्रिएशन की बात की थी, देश के युवाओं की एस्पिरेशन बढ़ी थी, हमें भी खुशी हुई कि देश के युवाओं को एक रोजगार देने का जो वादा आदरणीय मोदी जी और उनकी टीम ने, अमित शाह जी ने किया था, अलग अलग जगह जाके जनसभा में, और उसी परिणाम में बड़ी भारी मात्रा में वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं। और एक सरकार, स्थायी सरकार, जो बार बार वो कहते हैं देश को स्थायी सरकार चाहिए, एक स्थायी सरकार देश को मिली है, उसके इब्ज में देश के युवाओं को क्या मिला, ये हम जानना चाहते हैं। और मुझे बड़ा दुख से कहना पड़ता है, मैं जहाँ भी इस पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आज जहाँ भी रियासत के अंदर, जिला कठुआ के अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के अंदर युवाओं से मैंने इंटरेक्शन किया है, अलग अलग गांव के अंदर गया हूँ, टाउन्स के अंदर गया हूँ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में गया हूँ, सभी से पहले युवाओं ने ये बात उठाई है, आप हमारी आवाज़ बने, कांग्रेस पार्टी हमारी आवाज़ को उजागर करे, हाईलाइट करे। वो मेरी प्रेस मीडिया के दोस्तों से भी मेरा आग्रह रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगी, मैं हाथ जोड़ के इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि देश के युवाओं, प्रदेश के युवाओं की आवाज़ आप जरूर हाईलाइट कीजिए, और युवाओं के साथ जो एक उनको अपना फ्यूचर अंधकार में लग रहा है और बहुत बुरी पोजीशन है इस प्रदेश के अंदर और देश के अंदर। मैं ये कहना चाहूँगा, इतने FDI के माध्यम से कोई जॉब क्रिएशन नहीं हुई, कोई भी उद्योग जम्मू कश्मीर में नहीं आया, देश में नहीं आया, जॉब क्रिएशन में प्राइवेट सेक्टर में जो सरकार फेल रही है, और पब्लिक सेक्टर में जितनी वैकेंसियाँ खाली थी वो फेल करने में टोटली नाकाम रही है। और तीसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात इसमें रहेगा, कि जो नोटबंदी और GST के माध्यम से कितने लोगों का रोजगार गया, लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा युवा जो आली रोजगार कमा रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, या अपना छोटे छोटे उद्योग लगा के छोटे काम, इवन के रेड़ी फड़ी खोखे वाले, आप जम्मू के अंदर देखें, कठुआ के अंदर देखें, बलावर, बसोली, हीरानगर और किसी भी टोन के आप देखें, बेशुमार युवाओं को जो रेड़ी फड़ी खोखा लगा के अपना परिवार की रोजी रोटी का साधन जुटा रहे थे, उनसे भी रोजगार छीना गया। ये सरकार जन विरोधी सरकार रही है और युवा विरोधी सरकार रही है, लोगों को रोजगार छीने हैं इस सरकार ने। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज मैं इनसे जवाब मांगता हूँ, आपने अपने कार्यकाल में प्रदेश के अंदर कितने रोजगार दिए हैं और देश के अंदर कितने रोजगार क्रिएट किए हैं प्राइवेट सेक्टर में, और कितने लोगों को अपना रोजगार पब्लिक सेक्टर में दिया है, एक बात मेरी ये रही। और जो भी एम्प्लॉयमेंट हुई है, बैकडोर तरीके से भी किया, पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ आवाज उठी है, प्रश्न चिन्ह है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ, SSR भाई बोर्ड के खिलाफ आवाज उठी है,
आपके सिलेक्शन जम्मू कश्मीर बैंक में जो सिलेक्शन हुई है हकार है। स्वयं गवर्नर साहब खुद कहते हैं कि जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा उनकी भी अपॉइंटमेंट हुई है। पीएससी में किया एस ऑफिसर बने गए। गवर्नर साहब ने जो बात उठाई है रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर कह रहे हैं जो स्टेट के हेड है, तो इससे बड़ा क्या सबूत चाहिए। इसलिए ये बार बार मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था, हम चाहते हैं मेरे गवर्नर साहब से ये आग्रह रहेगा कि जो भी अपने ऑपरेशन उठाए हैं उसमें एक हाई लेवल का प्रोब करें, जुडिशरी से हाई कोर्ट के सिटिंग जज करें, जज सीबीआई इंक्वायरी हो, तब के दूध का दूध और पानी का पानी हो, युवाओं को एक पता लगे जो जो एक सिलेक्शन प्रोसीजर है ट्रांसपेरेंट है, उनको इस सिस्टम पे फेद रहे, पीएससी पे उनका फेद रेस्टोर करना है। ये सरकार की जिम्मेवारी है, सिस्टम की जिम्मेवारी है, हम और आप सब की जिम्मेवारी है। अरे कहीं कमी है उसको उजागर करना, उसको ठीक करना सरकार की जिम्मेवारी है, ये प्रक्रिया रही है। उसके बाद मैं जिला कठुआ के विशेष तौर पर मेरी ये रही, मेरे जिला कठुआ के 5 बधाई हैं और वहाँ के सांसद जो आदरणीय जितेंद्र सिंह जी से भी मेरा अपील है। जिला कठुआ मात्र ऐसा जिला है रियासत जम्मू कश्मीर में जिस जिले के अंदर पिछले 4-4.5 वर्ष में एक भी वैकेंसी टीचर की एडवर्टाइजमेंट नहीं की गई। एसपीओ की सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था, 3 वर्ष पहले उसका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट किया गया। मेरा बड़ा अफसोस से कहना पड़ता है, दुख से कहना पड़ता है, आज तक एसपीओ की लिस्ट मात्र डिस्ट्रिक्ट कठुआ की नहीं निकली। रियासत जम्मू कश्मीर के 22 जिलों में से 21 जिलों की टीचर की भी सिलेक्शन लिस्ट आ गई है और एसपीओ की सिलेक्शन लिस्ट निकल गई है, और कठुआ की टीचर की एडवर्टाइजमेंट नहीं हुई अभी तक और एसपीओ सिलेक्शन लिस्ट की लिस्ट जारी नहीं की गई। ऐसे ही 4th क्लास में और जितने भी क्लास 3 की पोस्टें डिस्ट्रिक्ट कैडर की होती है कहीं भी एडवर्टाइजमेंट डिस्ट्रिक्ट कठुआ में नहीं हुई। 5 विधायक जो बीजेपी के हैं, जो मिनिस्टर भी रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं, आई स्पीकर हैं, उनसे मेरे प्रश्न है और जिला कठुआ के युवाओं की तरफ से मेरा प्रश्न है। और इसके साथ साथ सांसद, माननीय सांसद, आज भी वो सांसद हैं, यूनियन मिनिस्टर हैं, पीएमओ के इंचार्ज हैं, उनसे मेरा हाथ जोड़ से करके अपील है कि आप जिला कठुआ के साथ क्यों इतना भेदभाव कर रहे हैं और आप कहाँ सोए हैं। आप रोज कहते हैं, अभी बड़े ने भाषण कहते हैं, जिला कठुआ के युवाओं के साथ आपने जो न्याय किया है, जिला कठुआ के युवा कभी आपको माफ नहीं करेंगे, उनका परिवार कभी आपको माफ नहीं करेगा। कम से कम 2000 से ज्यादा वैकेंसी है टीचर की खाली है डिस्ट्रिक्ट कठुआ में, कम से कम 1000 से ऊपर एसपीओ की सिलेक्शन होनी थी, नहीं हो पाई। इसी तरीके से रैबरे तालीम की वैकेंसी खाली है, 70 से ज्यादा केसेस पेंडिंग पड़े हैं डिस्पाइट हाई कोर्ट की डायरेक्शन होने के बाद भी सिलेक्शन प्रोसेस रैबरे तालीम टीचर का इन्होंने नहीं किया। 70 से ऊपर जो लड़के जो 8 साल हो गए उनको रैबरे तालीम लगे हुए और 5 साल के अंदर मैंडेटरी है उनको रेगुलराइज करना, 3 साल की से फाइलें उनके गणा डिस्ट्रिक्ट और डायरेक्शन ऑफिस में पड़ी हैं और लड़के दूर चाट रहे हैं, दर दर की ठोकरे खा रहे हैं, आया कहीं प्रेस के पास जाते हैं, कहीं हाई कोर्ट में जाते हैं, कभी हमारे पास आते हैं। इसलिए मैंने अपना फर्ज और ड्यूटी को पूरा करने के लिए आपके माध्यम से जो आंधी और बैरी सरकार है, गहरी निंद्रा में सोई हुई सरकार है केंद्र में, और रियासत जम्मू कश्मीर में जो राष्ट्रपति शासन के माध्यम से गवर्नर साहब से और इनके जितने भी एडवाइजर हैं उनसे मेरी अपील रहेगी कि आप जो रैबरे तालीम के टीचर 5 साल पूरे कर गए हैं उनको रेगुलराइज कीजिए और जो पेंडिंग सिलेक्शन पड़ी है उनको कंप्लीट कीजिए। और टीचर की वैकेंसी डिस्ट्रिक्ट कठुआ की क्यों एडवर्टाइजमेंट नहीं करते, बेशुमार स्कूल है। मैं परसों एक गांव में गया था, आप नोट करें, पंचायत भगण है और उसके एक विलेज सहरू और बडोल, बडोलों में मिडिल स्कूल है, 3 टीचर की वैकेंसी खाली है पिछले 4 वर्ष से, और सहरू में एक प्राइमरी स्कूल है, 1 टीचर है और 100 से ऊपर बच्चा है। इस तरीके से दूर दराज के एरिया में स्कूलों की बुरी हालत है। ऐसे NRHM के अंदर बेशुमार पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस और डॉक्टर्स आपने भर्ती किए हैं, उनके रेगुलराइजेशन के लिए आपने कुछ नहीं किया। 62,000 डेली भेज रहे हैं, PHE में ITA ट्रेन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रिशियन है, फॉरेस्ट में है, PWD में है, आपके हेल्थ में है, रेवेन्यू में है, आपके फ्लड में है, इरीगेशन में है। उन डेली बेचर को आपने SRO 500 भी नहीं है, आपने उन्होंने मजाक किया है
SRO 500B के माध्यम से रियास जम्मू कश्मीर के डेली पेजर के साथ बना न्याय किया और 60 महीने से आपने उनको सैलरी नहीं दे रही है, कौन सी सरकार है? और उसके साथ SRO 202 का विशेष तौर पर मेरी आपके मीडिया के फ्रेंड से मेरी रिक्वेस्ट है, SRO 202 रियास जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ घोर अन्याय है। मैं कहता हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन का क्लियर कट वायलेशन है और उसके बाद SRO 202 लेबर लॉ के अगेंस्ट है। इक्वल पे इक्वल वेजेस जो देनी है और इक्वल वर्क, सिमिलर पोस्ट में आप एक टीचर भर्ती करते हो उसको 6000 देते हो, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू SSR भी होता है और जो एक 2014 से पहले हुआ है उसको आप दे रहे हो 40000, कौन सा अन्याय है? 7000 में 6000 में कैसा गुजारे करें आप? वो पोस्ट ग्रेजुएट है, एमए है, एमएड है, बीएड है लड़का, PhD है, एमफिल लड़के करके टीचर लगे हैं। SRO 202 मेरी अपील रहेगी प्रेस के माध्यम से गवर्नर साहब से, इमीडिएटली जो आने वाली SAC की मीटिंग है SRO 202 को स्क्रैप कीजिए, SRO 500B को खत्म करके SRO छोड़ के माध्यम से डेली वेजर को परमानेंट कीजिए, जो 7 साल की सर्विस रेगुलर कर दी है और उनकी पेंडिंग बेसिस दें, जितने भी टीचर हैं रमसा के अंदर SSA के अंदर उनकी सैलरी का परमानेंट बंदोबस्त किया जाए और अन्यथा कांग्रेस पार्टी युवाओं को आवाज़ बन के रियासत जम्मू कश्मीर के में एक आंदोलन खड़ा करेगी, चाहे जिला कठुआ की युवाओं की बात है, अनएम्प्लॉयड युवाओं की बात है, रियासत जम्मू कश्मीर की युवाओं की बात है, देश के युवाओं की बात है, हम युवाओं के साथ रहेंगे। हमने अपने समय में युवाओं के लिए काम किया है, 58,000 युवाओं को डायरेक्ट तालीम टीचर हमने भर्ती किया है, 62,000 डेली वेजर हमने लगाए हैं जिनको 7 साल के अंदर हमने एनरोल करना था, इस सरकार ने उनके साथ अन्याय करके उनको धोखा दिया है, चीड़ किया है और आने वाले समय में युवा रियासत जम्मू कश्मीर के इनको अपना जवाब देंगे, चाहे असेंबली इलेक्शन है चाहे पार्लियामेंट इलेक्शन है। और मैं रियासत जम्मू कश्मीर की आवाम से आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं, आप देखिए आज भी जाग जाइए, इस भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के साथ अन्याय किया है, चाहे PSC की सिलेक्शन है चाहे किसी भी JK बैंक की सिलेक्शन है, जम्मू के युवाओं को धोखा दिया है। विकास का मॉडल इनका क्या? विकास का मॉडल ये विकास का मॉडल है? युवाओं का गला घोट के आप एक रीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हो और दूसरे रीजन के साथ आप वहां से काट के पोजीशन देते हो, कौन सा इंसाफ है? कौन सी सरकार है? इसलिए ये सरकार युवा विरोधी सरकार है, इस सरकार ने रियासत जम्मू कश्मीर के अमन और चैन को भंग किया और जम्मू के लोगों के साथ धोखा दिया, इस सरकार को आने वाले समय में आप लोगों से अपील रहेगी उखाड़ के फेंकिए और इनको अपनी औकात दिखाइए। धन्यवाद, जय हिंद।